मुकिम को हाईकोर्ट झटका कटक बारबटी विधायक मोहम्मद मुकिम का आवेदन होई खारज ओएचआरडीसी दुर्नीति मामलें निम्न अदालत दंडादेश को विरोध करी हाईकोर्ट में मुकिम आवेदन को खारज करिसेंति कोर्ट ओएचआरडीसी दुर्नीति मामलें मोहम्मद मुकिम को 3 वर्ष कारादंडादेश निर्देश देते स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट राय को कायम रखिंट हाईकोर्ट मुकिम को हाईकोर्ट को झटका कटक बारबाटी विधायक मोहम्मद मुकिम को आवेदन खारज हो मुकिम को हाईकोर्ट को झटका लगी ओएचआरडीसी दुर्नीति मामलें निम्न अदालत दंडादेश को विरोध करते हाईकोर्टर द्वारस्थ होते मुकिम हाईकोर्ट करवेदन खारज करोर्ट ओएचआरडीसी दुर्नीति मामलें मोहम्मद मुकिम को 3 वर्ष कारादंडादेश निर्देश देते स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट राय को कायम रखिले हाईकोर्ट कटक बारबाटी विधायक मोहम्मद मुकिम का आवेदन खारज करिसेंति हाईकोर्ट आवेदन करिथिले हाईकोर्ट रे ओएचआरडीसी दुर्नीति रे निम्न अदालत दंडादेश को विरोध करिथिले बा चैलेंज करिथिले एवं हाईकोर्ट कर द्वारस्थ होइथिले किंतु हाईकोर्ट आवेदन को खारज करिसेंति मुकिम को हाईकोर्ट कर झटका बोली कहि परबा तांकर आवेदन खारज होइछि कटक बारबाटी विधायक मोहम्मद मुकिम कर आवेदन खारज होइथिबा सूचना रहउछि आवेदन खारज करिसेंति हाईकोर्ट ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई इमरान खान कटक ब्यूरो चीफ फोन लाइन में जोड़ी होती इमरान ओएचआरडीसी दुर्नीति मामलें जो चैलेंज करी हाईकोर्ट कर द्वारस्थ होते मोहम्मद मुकिम आवेदन खारज अपडेट कौन देखो सुधीर बर्तन निर्वाचन माहौल रही है अंपटे कटक बारबाटी विधानसभा निर्वाचन मंडल निर्वाचन जो रही रणनीति प्रस्तुत करीन दल यार भितर मोहम्मद मुकिम को जेल था कि बर्तन शक्त झटका लगी हाईकोर्ट को जेहतु से भिजिलेंस कोर्ट बाहर 3 वर्ष दंडदेश शुणी दुर्नीति मामलें और यही दुर्नीति मामलें 3 वर्ष कारादंडादेश निर्देश देते भिजिलेंस कोर्ट और जहां चैलेंज करी से हाईकोर्ट को द्वारस्थ होते हाईकोर्ट से ही मामला को जो शुणी करी जो किसी रहितादेश जारी करते से रहितादेश हाईकोर्ट में कायम था आज जेहतु मामलें स्पेशल नोटिस जेहतु होता है और स्पेशल नोटिस जेहतु मामलें शुणी है और हाईकोर्ट पूरा राय शुणा पर मोहम्मद मुकिम जो आवेदन करते हाईकोर्ट को आसिक से आवेदन को हाईकोर्ट आज खारज करते भिजिलेंस कोर्ट जोटा को से राय देते जो 3 वर्ष कारादंडादेश निर्देश देते हाईकोर्ट कायम रखते भिजिलेंस पक्षर सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल श्रीमंत दास जेहतु मामला परिचालना करते भिजिलेंस पक्षर और मोहम्मद मुकिम तरफ वरिष्ठ आईनजीवी पीतामर आचार्य मामला बर्तमान करते तो यार भितर जब आम देखा बर्तमान जो मुकिम को जो हाईकोर्ट को शक्त बर्तमान जो झटका बर्तमान लगे जो हाईकोर्ट जो आवेदन खारज करवर्त पदक्षेप से कौन नीचे तावर्त अवस्था जना पड़े कितु बर्तमान जो निर्वाचन माहौल रही है निर्वाचन पापाग बर्तमान कौटा को गरम हम कटक बारबाटी जेहतु मोहम्मद मुकिम दीर्घ वर्ष धरी से 2019 से विजयी होते परवर्त अवस्था से जब निर्वाचन माहौल जब आरंभ होगा प्रचार आरंभ होगा से तुह तुह प्रचार करते बीजेपी पक्षर प्रचार बर्तमान चलती अंपटे बीजेपी पक्ष जो प्रार्थी घोषणा होनी तथापि यार मधे जो हाईकोर्ट को राय बर्तमान रही कौन सब बर्तमान राजनैतिक माहौल में कौन सब हटचमट पकोची ता तो बर्तमान समस्त नजर मतलब रही है कि ये गोटी कथा जब आप देखिए ये जो भिजिलेंस मामलें पूर्व मुकिम सहित पीयूष महांती कथ कहु विनोद दास कथा कहु से पूर्व यही मामलें दंडदेश विरोध में कोर्ट शुणी थे तो यो बर्तमान जो कोर्ट को हाईकोर्ट को जो राय बर्तमान जो आवेदन खारज कर हाईकोर्ट और भिजिलेंस कोर्ट राय को जो कायम रखते यहाँ परवर्त अवस्था जेहतु जो इमरान आम मुकिम को कथा जदि कह कांग्रेस जड़े बड़ नेता वरिष्ठ नेता कहीपर जहाँ दल रे दंभ रही जहाँ प्रभाव रही निर्वाचन पाखे आसुची आम पर्सनाली जदि व्यक्तिगत क्यारिययर कथा कह राजनैतिक क्यारिययर कथा कह ये घटना केत मात्रा रे प्रभावित कर मुकिम को देखो स्मृति कहना बर्तन जेहतु मोहम्मद मुकिम कटक बारबाटी विधानसभा निर्वाचन मंडल जन बड़ चेहरा जन बड़ राजनेता जेहतु दबदबा बहुत बेस रही अनेपटे प्रतिनिधि जी थे देवाशी सामंतराय जेहतु 2019 से पराजित होते बर्तमान जेहतु प्रकाश चंद्र बेहरा जी सालेपुर पूर्वतन विधायक से बीजेपी थे बर्तमान बीजेडी सामिल होते हैं बर्तमान बीजेडी सीट प्रार्थी करी एटी जहाँ निर्वाचन माहौल जब आप देखिए मोहम्मद मुकिम जो दुह दुह प्रचार करते सभा समिति करते लोकों निकट जाते कि ये जो फिजिलेंस
ମାମଲାଟି ଥିଲା ତାହା କୋଟା କୋଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସାଜୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କଣ୍ଟା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କୋଟା ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲା ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରୁ ସେ କହିଲେ ଯଦିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ କାୟମ ରୁହେ ତାହେଲେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଉ ଆଇନର ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଆଇନଗତ ସାହାରା ନେବେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏଭଳି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେ ହୁଏତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମକୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ କାୟମ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ଯୋଉ ରହିଥିଲା ତା ସଦସ୍ୟତା ଯୋଉ ରଦ୍ଦ ହେବାର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭଜନ ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ 3 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ କୌଣସି ବି ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ସେମାନେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଶୁଣାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ପଦ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟା କୋଟି ଚିନ୍ତା ପଡିଛି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଉପର ଫୋରମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କର ଯେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଇଏ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଖବରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।